हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं प्रियंका फ्लावर गार्डन। मैं नर्सरी गई थी, मैंने वहाँ से कुछ प्लांट की शॉपिंग की है और सारे मेरी गर्मियों वाले प्लांट है कि गर्मियों में ये फ्लावरिंग दे सके, और सारी के सारी परमानेंट प्लांट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा मैंने प्लांट की शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, एग्जोरा का प्लांट है, एग्जोरा की प्लांट है, ये पिंक कलर की है। तो मैं पिंक कलर की दो दो प्लांट ली हूँ, ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला है। ये दो दो प्लांट है, इसमें देखिए फ्लावरिंग होने वाली है। मैं इसको यहाँ के लिए ली थी, इसलिए थोड़ा सा फ्लावर खिलावा नहीं ली हूँ, ये बस कल ही निकली हुई है तो मैंने ले ली कि यहाँ आ करके मेरे घर में ये फ्लावर हो जाए। ये देखिए, ये दो दो प्लांट है, दो दो पिंक कलर की ली हूँ। इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये भी एग्जोरा की प्लांट है, ये वाइट से वाइट कलर में, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैं इसको भी 50 रुपीज़ में देती हूँ। मैंने एग्जोरा की प्लांट ली, सारे मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। ये चार एग्जोरा की प्लांट मैं ली हूँ। एक ये रेड कलर में है, ये भी मैंने 50 रुपीज़ में ली है। ये देखिए, सबसे प्यारी एकदम खुशबू वाली, आप भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही खुशबू देती है, बहुत ही ज़्यादा आपका ये गार्डन पूरा एकदम खुशबू से भर देगी। ये इसका नाम है मधुकामिनी। मैं जैसे ही मैं गार्डन घुसी, इतनी खुशबू प्यारी लगी, मैं इसका सबसे पहले मैं यही प्लांट ली हूँ, ये मधुकामिनी है। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। देखिए कितनी प्यारी, और फूलों से पूरा भरा हुआ ये फूल, पूरा एकदम प्लांट से ज़्यादा फूल ही नज़र आएंगे, पत्तियों से ज्यादा। ये एक मधुकामिनी है। और इधर मैंने टिकोमा की प्लांट ली हुई, देखिए फ्लावर किया खिला हुआ है। ये टिकोमा का प्लांट है, इसमें मैं येलो कलर थे और ये ऑरेंज कलर, तो मैं ऑरेंज ही ली हूँ, मुझे ऑरेंज अच्छा लगा। ये मुझे शायद 80 रुपीज़ में मिली है टिकोमा की प्लांट। देखिए कितनी प्यारी है, एक प्लांट की हो गया, मैं इसको हटा देती हूँ। और ये मैंने चार चार पपीता की प्लांट लिए हैं, तो अभी मैं लगाऊंगी एक। देखिए लाने में मेरी खराब होगी प्लांट, अभी ये बचेंगी कि नहीं बचेंगी कहना मुश्किल है। ये सारी हाइब्रिड वाली पपीता की प्लांट है, तो ये मुझे 20 रुपीज़ पर पीस मिली है, तो मैं इसका चार प्लांट ले ली हूँ। इसको मैं साइड में रहने देती हूँ। और मैं बेला की प्लांट ली हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए बेला की प्लांट, ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। इसकी मैं दो प्लांट ली हूँ, मैं दिखाती हूँ। और एक प्लांट है, एक प्लांट मैं इधर रखी हूँ, देखिए। बेला की भी मैं दो प्लांट ली हूँ, ये भी मुझे 50 रुपीज़ पर पीस मिली है। और मैं इधर एक बोगेनविला ली हूँ, ये देखिए बोगेनविला, वाइट कलर की ये बोगेनविला है, ये मुझे 100 रुपीज़ में एक मिली। इसकी भी बहुत सारी कलर थी इसमें, मैं मेरे पास पिंक कलर ऑलरेडी है, पिंक कलर है, येलो कलर है, इसलिए मैं इसकी वाइट कलर मेरे पास नहीं थी, तो मैं इसकी वाइट कलर ले ली, मुझे 100 रुपीज़ में एक मिली है। और मैं दिखाती हूँ और मैंने कौन सी प्लांट ली। ये रही इधर एप्पल बेर, एप्पल बेर का भी एक प्लांट ली हूँ मुझे, देखिए इसमें एक खिला भी है, एक बेर हुआ भी है, दिखाती हूँ मैं। देखिए एप्पल बेर का प्लांट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, इसलिए मैं छोटा ही प्लांट ले ली हूँ। ये इधर भी है, तो मैं देखती हूँ ये मेरे घर में हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो मैं इसको भी एक लगा के देखूँगी कैसा होता है। इसकी मुझे प्राइस नहीं मालूम, शायद 120 या 1 ऐसे मुझे मिली है ये प्राइस। और मैं कुछ अर्डेनियम की प्लांट दिखाती हूँ, अर्डेनियम भी प्लांट मैंने लिया। ये देखिए एक ये अर्डेनियम लिया, ये मुझे 120 में मिली है, अर्डेनियम की प्लांट।
इसमें फ्लावर होगी तो दिखाऊंगी। ये शायद सिंगल पेटल की है, ये सिंगल पेटल की प्लांट है। और दूसरी अडेनियम ये रही, ये देखिए इसकी फ्लावर, इसमें एक फ्लावर के लिए भी थी, मैं ये फ्लावर देख के ली हूँ। ये भी कितनी प्यारी लग रही है, डबल पेटल की है। तो ये मुझे 180 की मिली है, ये डबल पेटल की थी इसलिए मुझे 180 की मिली है। ये और सारी और भी मैं अडेनियम की प्लांट है, ये देखिए ये मुझे 120 में मिली है अडेनियम की प्लांट। चार मैंने अडेनियम, एक और अडेनियम की प्लांट है, देखिए इसमें फ्लावरिंग, इसमें बर्ड निकलने लगे हैं यहाँ पे। तो ये भी मुझे 120 में मिली है। ये चार मैंने अडेनियम की प्लांट ली है, और एक ये मैं अंगूर का प्लांट ली हूँ। ये देखिए ये ब्लैक अंगूर है, ब्लैक ग्रेप्स है, ये मुझे 80 रुपीज में मिली है अंगूर की प्लांट। और मैं फाइकस की प्लांट लाई हूँ, दो फाइकस की प्लांट लाई हूँ। देखिए एक ये डार्क शेड में फाइकस प्लांट है, मैं सोची सारे फ्लावर की प्लांट ही है तो मैं कुछ सो के लिए भी ले लेती हूँ। एक फाइकस की प्लांट है, ये भी एक वेरीगेटेड फाइकस की प्लांट है, ये दो फाइकस की प्लांट मैं लेके आई हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं इसके बालकनी में लगाने के लिए ये फाइकस की प्लांट लाई हूँ। और एक प्लांट लाई है, मैं दिखाती हूँ, मैं उधर लगा दी हूँ, हाइड्रेंजिया की एक प्लांट लाई हूँ, मैं आपको ला के दिखाती हूँ। ये देखिए एक हाइड्रेंजिया की प्लांट भी लेके आई हूँ, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग मतलब शुरू होने वाली है। इसके मैं एक हाइड्रेंजिया की प्लांट मेरे पास नहीं थी, एक भी मैंने एक बार लगा के देखती हूँ। और मैं एक ऑनलाइन प्लांट ली, ये ऑनलाइन मैं परचेज की थी, तो मैं इसको लगा दी हूँ। पॉटिकुलर का और पर्सलेन दोनों मिक्स है इसमें, तो मैं इसको लगा दी। अब कौन कौन सी कलर है, कलर होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। मैं इसको लगा दी थी कल ही, और सबको मैं लगा करके आपको दिखाऊंगी। इसकी पॉटिंग मिक्स रेडी करके मैं इसको सब सारे प्लांट को लगा लूंगी, उसके बाद मैं आपको जरूर दिखाऊंगी मैंने। तो आपको मेरी प्लांट्स की शॉपिंग कैसे लगी प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जरूर बताएं मेरी प्लांट कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी।